अरे इस काम के लिए भी पैसे। अबे शाने क्या शान पत्ती दिखा रहा है, पैसा लेते तो क्या करेगा? अरे भाई मैं पैसे देता हूँ, मेरा काम हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, मेरी माँ घर पे बीमार है, ये लो पैसे। अबे 100 का नोट क्यों दे रहा है, चल 500 की हरी पत्ती निकाल। अरे भाई यहाँ तो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये अबे क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, चल अंदर जा। अरे भाई ये बस रिश्वत ही लेते हैं, काम कुछ नहीं करते। अरे काम करना मांगता तो पैसा निकाल, नहीं तो घर को निकल, आपका काम हो जाएगा। अरे हमें शाम तक यहीं पे बैठना है। एक कर ले भाई। अबे चलो अब ऑफिस बंद होने को है। अरे भाई अभी तो 3 भी नहीं बजे, इतनी जल्दी ऑफिस बंद क्यों किया तुम लोगों ने? अबे अपन की मर्जी, जिस वक्त चाहे उस वक्त बंद करे, चल निकल इधर से। चलो भाई चलो, भ्रष्टाचार। अरे बेटा वही रोज के काम से था, जमीन के काम से था, तहसीलदार साहब के पास गया था, लेकिन वहाँ पर सब वो रिश्वत लेते। कौन रिश्वत देता है? वही तहसीलदार साहब। उसका बेटा तो मेरे साथ पढ़ रहा है, मैं उसको कल बोलूंगा। अरे बेटा ऐसी बात नहीं पापा, मैं उसको कल बोलूंगा। नहीं बेटा नहीं। अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, कोई इसके घर वालों को फोन करो, जल्दी आओ। हेलो 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 तहसीलदार साहब। हाँ बताओ। हेलो हेलो, आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर। कहाँ? यहाँ हॉस्पिटल में आ जाओ जल्दी जल्दी। अरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, चल जल्दी। डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब एक्सीडेंट हो गया। अरे उठाओ इसको। कैसे अरे यार ये जुलूम है, भ्रष्टाचार है, करप्ट हो तुम सारे। अरे पैसे तो तुमको पता है मर गया, मेरे को पता है मर गया, इसके घर वालों को थोड़ी पता है मर गया। अगर पैसे कमाने हैं तो उनके घर वालों से पहले उसका ख्याल रखना, मैं इसके घर वालों से बात करता हूँ। उसका रखिए, हम पूरी कोशिश करें आपके बेटे को बचाने की। हमें बड़े डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, जो उसकी फीस है 2.5 लाख रुपए। आपको जल्द से जल्द 2.5 लाख रुपए। क्या बात कर रहे हो तुम लोग, सिर्फ पैसा मांगते हो। अरे जाओ, अगर बेटे को बचाना है तो 2.5 लाख रुपए भरो। रिकॉर्डेड है। हमने क्या किया है तो अभी मरा। अरे तुम क्या कर रहे थे अभी तक इसके साथ? जख मार रहे थे इसके साथ अभी तक? अभी मरा। ओ भाई पकड़ो इनको, पुलिस थाने ले जाते। इस तहसीलदार ने हमारे साथ भ्रष्टाचार किया था, लेकिन इसको इसकी सजा उसको मिल गई, लेकिन तुम दोनों की सजा अब थाने में मिलेगी। चलो तुम क्या किया थाने ले चलो 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 भाई चलो चलो। हमने यहाँ पर नाटक पेश किया, इसका जो मेन जो सेंट्रल आइडिया था वो आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करनी थी कि भ्रष्टाचार से कैसे कैसे नुकसान हमें पहुंचते हैं। जैसे हम कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे, वैसी इसी बात है, जो अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो आपके साथ भी होगा। इसीलिए हम आपके अंदर ये अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं कि आप भ्रष्टाचार ना करें, ताकि हमारा नेशन आगे बढ़े। थैंक यू।